फ्रेंड्स, आज मैंने घर पर बनाया है मीठे चावल। बहुत ही यम्मी बने हैं, टूटी फूटी विद ड्राई फ्रूट, बहुत ही टेस्टी। चलो बनाते हैं मेरे साथ एक नई रेसिपी। मीठे चावल बनाने के लिए मैंने एक ग्लास नाप कर चावल लिए हैं। ये चावल बासमती राइस है और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और 5 से 10 मिनट तक सोक करके रख देंगे और इसका पानी निकाल देंगे। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे, डालेंगे देसी घी। एक बड़ा चम्मच देसी घी का डाल देंगे और इसको मेल्ट करेंगे। घी गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, थोड़े से लौंग, दालचीनी और 2 छोटी इलायची डाल देंगे और इस टाइम हम डालेंगे 2 ग्लास पानी। बॉईल आने देंगे, बॉईल आने वाला है और इसमें डालेंगे हम केसर। तो केसर में इतना कलर नहीं होता बट फिर भी हम केसर डालेंगे और साथ के साथ हम डाल देंगे येलो कलर। येलो कलर हम इसमें ऐड कर देंगे, पानी में पिंच ऑफ डाला है और ये एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा। और साथ में डाल देंगे 1 ग्लास चावल और इसको मिक्स करेंगे, बॉयल आने देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देंगे, फ्लेम को कर देंगे लो और 2-3 मिनट ढक कर रख देंगे। चेक करते हैं, बॉयल आ चुके हैं, अच्छे बॉयल आ गए हैं। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा डालेंगे ड्राई फ्रूट, जैसे मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम लिए हैं, काजू, इसको भी कट करना है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम रख लेंगे। और अब ये देखेंगे थोड़े से चावल गल गए हैं, तो इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 कप शुगर। और अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको ढककर रख देंगे अगेन। चेक करते हैं, वाओ, बहुत यमी लग रहे हैं और ये शुगर भी इसकी मेल्ट हो गई है। कितना खिला खिला दाना बना है। पर हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अगेन फ्लेम को लो करेंगे और ढककर रख देंगे, 2 से 3 मिनट तक ढककर रख देंगे इसको। और आप चेक करते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको ढककर रख देंगे स्टीम में ताकि ये दम में थोड़ा सा और पक जाए। और अब इसको प्लेटिंग करेंगे और मैंने ऊपर खोया डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ही यमी बने हैं, तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेड्स किचन, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।